सरकार ने रोकना है तो सरकार रोक सकती है, इसका काम होता है रोकना, लेकिन हमने तो जहां पर जाना हमने जाने के लिए बोला भाई रोकेंगे तो महंगा पड़ेगा। इसलिए देखो आज तो अभी तक तो हमारा मुड़ने का प्लान है, अगर सरकार रोकना चाहेगी तो रुक भी जाएंगे। भाई तू खिलाड़ियों के साथ लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, उनके साथ छेड़छाड़ की है, इसका मसला तो उसके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए और उसको अंदर करना चाहिए। भाई होती नहीं ना इनके ऊपर कार्रवाई, ऐसा होता है कि ये अप्रोच है इनकी, जिन सियासी ताकत है इनके पास, इसलिए इनके ये हमारे लोग ऊपर अगर जबर करते हैं तो इनके ऊपर पर्चा नहीं होता, हमारे ऊपर पर्चा करने में एक मिनट लगता है। के लिए निकले थे यहाँ रोक दिया गया था, क्या कहेंगे? देखो सरकार ने रोकना है तो सरकार रोक सकती है, इसका काम होता है रोकना, लेकिन हमने तो जहाँ पर जाना हमने जाने के लिए बोला भाई रोकेंगे तो महंगा पड़ेगा, इसलिए हम लोग जाएंगे। फिर प्रशासन ने आज्ञा दे दी, हम चले जा रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज उधर जाकर देखते हैं तो हालत क्या है, उसके बाद ही फैसला लेंगे। यहाँ रुकने का प्लान है या आज का? देखो आज तो अभी तक तो हमारा मुड़ने का प्लान है, अगर सरकार रोकना चाहेगी तो रुक भी जाएंगे। नहीं, जिस तरह ब्रजभूषण सिंह जो अपने खिलाड़ियों पर आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको? खिलाड़ियों पर आरोप लगा रहे? हाँ हाँ, खिलाड़ियों के ऊपर तो खिलाड़ी तो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भाई तू खिलाड़ियों के साथ लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, उनके साथ छेड़छाड़ की है, इसका मसला तो उसके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए और उसको अंदर करना चाहिए। वो दोषी है, उसको क्या दोष लगाया किसी के ऊपर? नहीं, दो एफआईआर हुई है उनके ऊपर, तो उसके बाद से अभी कोई कार्रवाई नहीं है, क्या मानते हैं आप? नहीं कि भाई होती नहीं ना इनके ऊपर कार्रवाई, ऐसा होता है कि ये अप्रोच है इनकी, जिन सियासी ताकत है इनके पास, इसलिए इनके ये हमारे लोग ऊपर अगर जबर करते हैं तो इनके ऊपर पर्चा नहीं होता, हमारे ऊपर पर्चा करने में एक मिनट लगता। इसके बाद का क्या प्लान चलते थे? इसके बाद का क्या प्लान है? उसके बाद में वापस मुड़ने का हमारा, आज का प्रदर्शन है।